हाय गाइस, दिस इज अमित श्रीवास्तव। और आज आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम बात करने वाले हैं बीबीडी यूनिवर्सिटी। यार, इस यूनिवर्सिटी की जो है बहुत डिमांड आ रही थी। कमेंट में एक भैया हैं जिन्होंने बहुत बार कमेंट किया कि भैया मैंने बीबीडी यूनिवर्सिटी की वीडियो बनाने के लिए कहा है और आपने अभी तक की बनाई नहीं, तो वो वीडियो मैं लेके हाजिर हो चुका हूँ। और गाइस, बीबीडी यूनिवर्सिटी में मैं सब चीज़ कवर करने वाला हूँ, प्लेसमेंट, रैंकिंग, फैसिलिटीज़, हॉस्टल फैसिलिटीज़, फ़ीस, सब चीज़ को कवर करेंगे। और ये यूनिवर्सिटी को बनाया था हमारे फॉर्मल CM ने, श्री अखिलेश दास गुप्ता जी ने, जो कि काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। तो अब जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ पे PDF खोलते हैं और आपको सब चीज़ों को हम बताते हैं। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं BBD यूनिवर्सिटी पे। उसकी PDF मैंने खोल के रख ली हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही होगी आप लोगों को PDF की, बल्कि PDF से ज़्यादा तो अच्छी आपको BBD की जो है इमेज लग रही होगी। काफ़ी अच्छी इमेज है। जो लखनऊ में रहते हैं उनको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है इसकी खूबसूरती के बारे में। जो कोई भी फैजाबाद रोड से तरफ से निकलता होगा वो BBD को देखता होगा। वाकई में ये माइंड ब्लोइंग यूनिवर्सिटी लगती है। बाहर से इतना अच्छा जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, क्या ही कहा जाए। हालांकि जो इनका BBD ग्रुप है वो फ्लैट्स भी बनाता है, वहाँ पे जो है बिल्डिंग्स भी बनाता है, तो उसके कारण और अच्छा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लगने लगता है। लेकिन यार, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की जो मेन बिल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए मैंने इसको लगाया हुआ है। आप लोग देख सकते हो, अगर ये फोटो आपको अच्छी लगी तो यार आप लाइक कर सकते हो हमारी वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, स्टैट्स एंड रैंकिंग। जी हाँ गाइस, स्टैट्स एंड रैंकिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, द यूनिवर्सिटी हैज़ NIRF रैंकिंग ऑफ 511, जो कि काफ़ी अच्छी रैंक है NIRF की तरफ से। और इस्टेब्लिश हुई थी अखिलेश दास जी की तरफ से 2010 में, जो कि हमारे फॉर्मल CM भी थे उत्तर प्रदेश के। कैंपस एरिया के साइज़ की बात करते हैं, 100 acres, जो कि काफ़ी बड़ा है। बाकी मैं ये आपको बता दूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं 100 acres होता है उनका कैंपस एरिया, बट वो अच्छे तरीके से वेल मेंटेन्ड बनी नहीं होती। ये आपको वेल मेंटेन्ड बनी, बढ़िया, बहुत अच्छा जो इसका कैंपस है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जो है इसमें ग्रीनरी भी है। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ बाद में दिखाऊँगा, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दाखिला कैसे लिया जा सकता है इसमें, एडमिशन कैसे लेंगे। तो मोड ऑफ एडमिशन की तरफ बढ़ते हैं, एडमिशन थ्रू JEE मेंस एंड एडमिशन थ्रू AKTU। AKTU मैं बता चुका हूँ, UP की गवर्नमेंट जो है कंडक्ट कराती है पेपर, उसके थ्रू आप जो है जा सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है, जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस है 500 rupees। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, मैं आपको दिखा दूँ एक बार। ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर आप एडमिशन की तरफ जब क्लिक करते हैं तो एडमिशन पे लिख के आता है एडमिशन इंक्वायरी। जब आप एडमिशन इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे तो आप इंक्वायरी के लिए पूछ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव अप्लाइड येट प्लीज़ यहाँ पे क्लिक करिए, और यू कैन ऑल्सो रजिस्टर डायरेक्टली बाय क्लिकिंग ऑन द रजिस्टर ऑनलाइन टैब बाय पेइंग 500 rupees। 500 rupees आप पे करिए, डायरेक्ट जो है रजिस्टर के लिए क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बॉट यहाँ पे खुल चुका है, आप इसकी जो है भी हेल्प ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी PDF की तरफ। फीस, जो कि मैं बताने वाला था कि फीस जो है काफ़ी अच्छी है, और CS वाले थोड़े से ऑफेंड हो सकते हैं क्योंकि CS वालों की जो फीस होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है BTech में। बट इस यूनिवर्सिटी में जो है लगभग से लगभग सारे, कोई भी आप कोर्स करते हैं तो सबकी जो है एक समान जो है फीस है। 1.25 lakh rupees जो है पर ईयर आपकी जो है फीस जाएगी। स्कूल नेम है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें मैंने एक फ़ोटो अटैच करके रखी हुई है कि आप जो है लैटरल एंट्री और 4 साल का कोर्स, यानी कि मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, जिससे जो डिप्लोमा करके जाएगा वो लैटरल एंट्री ले सकता है, बाकी जो 12th करके जा रहे हैं वो 4 ईयर का पूरा कोर्स कर सकते हैं। सेशन स्टार्ट हो चुका है, फुल टाइम कोर्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपने 10+2 किया है तो 50% आपके जो है मार्क्स होने चाहिए PCM साइड से, और आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। प्रोग्राम फीस की बात करते हैं तो 62,500 पर सेमेस्टर है, ये इनके जो है ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है। बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है। मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे BBD यूनिवर्सिटी का खुद का एक स्टेडियम है जहाँ पे 20,000 बच्चे जो हैं बैठ के मैच देख सकते हैं। जी हाँ गाइस, स्क्रीन पे मैं जो है क्रिकेट स्टेडियम के जो है इमेज लगा दूंगा, आप लोग देखिएगा। काफ़ी अच्छा जो है स्टेडियम दिया गया है, वही मैंने लिखा हुआ है पहला पॉइंट में। यहाँ पे रणजी ट्रॉफी भी जो है हर साल जो है कंडक्ट कराई जाती है। यूनिवर्सिटी जो है मैं दोनों लड़का लड़की दोनों के लिए जो है गेम्स प्रोवाइड करता है। आउटडोर गेम्स भी है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, इंडोर गेम्स भी है। इनका जिम भी जो है वेल इक्विप्ड जिम है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की तरफ, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है, और हमारा ROI कैसा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। फीस अब मैंने बताया आपको 1.25 lakh rupees जो है फीस पड़ती है पर ईयर की। तो उस हिसाब से प्लेसमेंट देखते हैं कि हमारा कैसे है, ROI हमारा सही है कि नहीं है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट।
तो गाइज़ ये जो मैंने प्लेसमेंट्स आप देख रहे हो, ये जो है इसी साल का मैंने लिखा हुआ है, 44.15 लाख रुपीज़ का जो है इनका हाईएस्ट पैकेज गया था। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। साथ ही साथ गूगल ने जो है 32.5 लाख रुपीज़ का जो है सीटीसी दिया था। वॉलमार्ट ने भी दिया था 28.5 लाख रुपीज़ का, जो कि काफ़ी अच्छा जो है प्लेसमेंट कंपनी दे रही है। अगर आप करने वाले हो तो आप जो है फोड़ सकते हो यहाँ से भी। आपको एक ये जो है बढ़िया जो जगह मिल रही है, बढ़िया एक नाम मिल रहा है बीबीडी का, तो आप जो है कम इन्वेस्टमेंट में आरओआई देखा जाए तो बहुत अच्छा है। ओवरऑल पैकेज की बात करते हैं, यहाँ पे ओवरऑल पैकेज हमारा आता है 4 लाख रुपीज़, और लोएस्ट पैकेज की बात करते हैं तो 2.4 लाख रुपीज़ का। मोर देन हाफ ऑफ द कॉलेज इज प्लेस्ड विद द मास रिक्रूटर लाइक विप्रो एंड टीसीएस, विच गिव्स अ बिग ब्लो टू द प्लेसमेंट। आप जान सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो ज़्यादातर जो है मास रिक्रूटर्स उन बच्चों को ले लेते हैं हर उस यूनिवर्सिटी में जाके। तो यहाँ पे भी उसी तरह से है, बल्कि मैंने इस बार जो है वेबसाइट से जो है इमेज को मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगाया हुआ है, बल्कि मैं आपको वेबसाइट पे भी जाके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है, एक सेकंड मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन करके रखा हुआ है कि वहाँ इतने लड़कों का जो है हाईएस्ट पैकेज गया था। तो ये देख सकते हैं अमेजोन ने सबसे बड़ा हाईएस्ट पैकेज दिया था 44.15 लाख का, गूगल ने दिया था 28.88 लाख का, उसके बाद प्रांजल मिश्रा को मिला था ग्रैब से 23.22 लाख का। ऐसे आप देख सकते हैं वॉलमार्ट ने भी दिया था 23.40 लाख रुपीज़ का। अब बढ़ते हैं, तो अब हम लोग बढ़ते हैं हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल फैसिलिटीज़ फॉर बॉयज़, 2000+ बॉयज़ रह सकते हैं, 1000 से ज़्यादा लड़कियाँ रह सकती हैं, आपको ये हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं बीबीडी वाले। हॉस्टल अकोमोडेशन इज़ ऑन ट्विन एंड ट्रिपल शेयरिंग बेसिस, आप एक या दो तीन लोग रह के जो है शेयर कर सकते हो कमरा, उस हिसाब से आपकी जो है हॉस्टल की फ़ीस पड़ेगी। ईच हॉस्टल हैज़ अ रिक्रिएशन रूम विद टीवी एंड इंडोर गेम फैसिलिटीज़। हर एक हॉस्टल में जो है रिक्रिएशन रूम है जिसमें टीवी है और साथ में इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ दी गई है। क्लीन एंड हाइजेनिक मेस फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड इन ईच हॉल फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक की जो है हाइजीन का जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, जिससे कि आपको खाना जो है बढ़िया क्वालिटी का मिलता है यहाँ पे। रैगिंग फ्री इन्वायरमेंट है, जो कि आजकल के हर एक यूनिवर्सिटी में जो है रैगिंग फ्री हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे भी जो है रैगिंग फ्री इन्वायरमेंट मिलती है जो कि हॉस्टल में है। चार्जेस फॉर ऑन नॉन एसी रूम्स, मैंने इसी में जो है चार्जेस लिख के रखे हुए हैं एसी रूम और नॉन एसी रूम्स के दोनों तरफ से। तो मैं नॉन एसी रूम्स आपको बता दूं, अगर आप अकेले रहेंगे रूम में तो आपको साल भर का फीस देना पड़ेगा 1,25,000 रुपीज़ पर एनम। साथ में आपको 5,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट वन टाइम लिए। आप जो है ये रिफंडेबल है, ये बाद में आप ले भी सकते हैं। और अगर आप दो लोग रहते हैं तो फीस पड़ेगा भी 95,000 पर एनम। आपको दो लोग के साथ रहें चाहे आप लोग तीन लोगों के साथ रहें, आपको जो है वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 5,000 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे। बात करते हैं एसी रूम्स की तरफ, अगर आप अकेले कमरे में रहेंगे एसी के साथ एसी रूम लेंगे तो 1,90,000 रुपीज़ जो है आपको पर एनम देना पड़ेगा। तो यार अकेले एसी रूम में तो कोई रहेगा नहीं, जाहिर सी बात हो। तो आप लोग जो है दो तीन लोगों के साथ रहेंगे तो आपका जो है कॉस्ट जो है कम पड़ेगी, और वहाँ पे ग्रीनरी इतनी है तो आपको जो है इतनी गर्मी भी नहीं लगेगी। आप अगर अपने हॉस्टल के रूम में कूलर लगा लेंगे तो आपको अच्छा खासा जो है ठंडा हो जाएगा कमरा। दो लोगों के साथ रहेंगे तो 1,30,000 रुपये, तीन लोगों के साथ रहेंगे, तीन लोग रहेंगे एक रूम में तो 1,05,000 रुपये। तो अब हम लोग बढ़ते हैं फैसिलिटीज़ की तरफ, फैसिलिटीज़ यहाँ की कैसी है। फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की, पहला पॉइंट है द लाइब्रेरी प्रोवाइड्स विद रिच एंड वेल स्टॉक 2 लाख+ बुक्स पीरियोडिकल्स एंड जनरल्स इन प्रिंट एज वेल एज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ऑफ INDEST साइंस डायरेक्ट बेंथमैन एक्सेट्रा। तो भाई 2 लाख से ज़्यादा जो है यहाँ पे बुकें आपको जो है लाइब्रेरी में मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी बात है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में शायद आपको नहीं बताया था कि बीबीडी का जो है एफएम रेडियो खुद का चैनल है, जहाँ जो कि मैंने लिखा हुआ है बीबीडी एफएम रेडियो एट 90.8 MHz। आप बीबीडी यूनिवर्सिटी ने जो है अपना खुद का ही जो है रेडियो चैनल जो है ओन करके रखा हुआ है। वहाँ पे जो है एजुकेट और सेंसिटाइज एंड शेयर नॉलेज के लिए जो है स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, अपना नॉलेज जो है शेयर कर सकते हैं, अपना जो है थोड़ी बहुत जो चीज़ें बताना चाहेंगे तो अपने जो है एफएम पे बता सकते हैं। आप भी उनकी फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करके सुन सकते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की तरफ पढ़ते हैं, द स्टेडियम इन द कैंपस हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ अकोमोडेट फॉर मोर देन 20,000 स्पेक्टेटर्स। द स्टेडियम इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड एथलेटिक्स। फील्ड्स एंड ट्रैक इवेंट्स, जो कि मैं आपको जो है बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में खुद का स्टेडियम दिया गया है, जहाँ पे 20,000 बच्चे जो हैं बैठ के देख सकते हैं आउटडोर गेम्स को, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और क्रिकेट। बैडमिंटन नहीं देख सकते, बैडमिंटन के लिए अलग कोर्ट बनाया गया है। बात करते हैं ऑडिटोरियम का, अखिलेश दास ऑडिटोरियम है उसका नाम। द यूनिवर्सिटी कैंपस हैज़ अ एयर कंडीशनर ऑडिटोरियम विद अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 1,000। इट हैज़ अ JBL अकॉस्टिक सिनेमास्कोप
प्रोजेक्टर एंड अ सिनेमास्कोप स्क्रीन द ऑडिटोरियम इज रेगुलरली यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल टेक्निकल एंड एकेडमिक्स इवेंट्स एंड स्क्रीनिंग ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल मूवीज। जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, अगर आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। 1000 बच्चे जो हैं बैठने की कैपेसिटी है, साथ में जो है इन्होंने JBL का सिस्टम भी लगा के रखा हुआ है साउंड वाला, और सिनेमा स्कोप प्रोजेक्टर है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और यहाँ पे जो है छोटे मोटे जो प्रोग्राम हुआ करते रहते हैं टेक्निकल और एकेडमिक इवेंट्स, वो सब जो है वहाँ पे चला करते रहते हैं, तो आप लोग जो है अटेंड करके देख भी सकते हैं, जो कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही होते हैं। कोई भी इवेंट अगर यूनिवर्सिटी आप लोगों को प्रोवाइड करती तो आप लोगों को उसको जो है बहुत अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि आपका तो नाम होगा ही होगा, साथ में यूनिवर्सिटी और पेरेंट्स का भी नाम होगा। तो अब बढ़ते हैं हेल्थ सर्विसेज के लिए। भाई यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज भी बहुत अच्छा है, बल्कि BBD का जो डेंटल स्कूल है वो भी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। और फिलहाल मैंने इसमें डेंटल को इंक्लूड नहीं किया था, मैंने इंजीनियरिंग के बेसिस पे PDF को तैयार करके रखा हुआ है। स्टूडेंट्स मॉल एंड कैफेटेरिया, द मॉल इज़ अ ब्यूटीफुल डबल स्टोरी स्लोप रूफ बिल्डिंग विद फूड कोर्ट, स्टेशनरी, बुक शॉप, सैलून, डिस्पेंसरी एंड ब्रांडेड आउटफुट शॉप्स। जो कि मैंने आपको बताया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, BBD के सामने जो है क्राउन मॉल है, जो कि बच्चों के लिए जो है फूड कोर्ट, वहाँ पर स्टेशनरी, बुक शॉप, सैलून, डिस्पेंसरी एंड ब्रांडेड आउटफिट शॉप जो है वहाँ पे है। तो आप लोग जो है क्राउन मॉल बोर हो रहे हो BBD में तो पढ़ के थोड़ा आप लोगों को फ्री मिला हो, तो आप लोग वहाँ जाके जो है टहल सकते हो, खा पी सकते हो, सैलून वलून जो है जा सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं व्हाई यू शुड ज्वाइन BBD, BBD को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। गाइस मैंने ये हाईलाइट कर देता हूँ, मैं आपको BBD को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो है यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 100 acres की होती हैं, बट जो है बहुत अच्छे से वहाँ पे उसमें जो है डेवलप नहीं हुई होती हैं, बनी नहीं हुई होती हैं। तो यहाँ पे जो है इसी चीज़ का जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में जितनी भी ग्रीनरीज का ध्यान वेल मेंटेन किया गया है, वैसे यहाँ पे भी जो आपको ग्रीन लश कैंपस मिलेगा, साथ ही साथ ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैंने आपको फोटो इसीलिए बढ़िया लगा के दिखाई थी कि आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पता चल जाए कि वो जो है BBD का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। लखनऊ वालों को तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी लखनऊ से वीडियो देख रहा हो वो जानता है कि BBD का कितना बड़ा ही नाम है, BBD एक ब्रांड है। अब बात करते हैं वेरी ऑसम इन्वायरमेंट फॉर जेन्युइन पीपल के लिए जो है बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। प्रोफेसर आर सपोर्टिव, प्लेसमेंट्स आर वेरी गुड, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इज़ वेरी गुड। ये सारे पॉइंट्स हमारे जो है नोट करिएगा और गौर से सुनिएगा। प्लेसमेंट्स आर वेरी गुड, इसका मतलब ये नहीं है कि ये IIT के मुताबिक जो है प्लेसमेंट्स दे रहा है। प्लेसमेंट्स का मतलब ये होता है आपका ROI कैसा है, आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आपका पैसा रिकवर कितने साल में हो रहा है। जो कि यहाँ पे इस टाइम जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम BBD का प्लेसमेंट जो है अच्छा है। आप जाके वहाँ पे बच्चों से पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दोनों जगह जो है आप जाके पूछ सकते हैं कि वहाँ पे कैसा जो है प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट से मैंने आपको बताया हुआ है हाईएस्ट पैकेज भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, मीडियम पैकेज भी अच्छा है, अगर आप करेंगे तो आप फोड़ सकते हैं। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट्स की तरफ। मैनी मोर एक्टर एंड एक्ट्रेसेस कम टू देयर प्रमोट देयर फिल्म, काफ़ी सारे एक्टर आते हैं यहाँ पे अपनी पिक्चर्स को प्रमोट करने। जो कि अभी एक पिक्चर आई थी आ रही है शायद, वो अपनी पिक्चर जो है यहाँ पे प्रमोट करने आए थे, पश्चिमा प्रीमियम करने आए थे। मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखाता हूँ, तो ये जा सकते हैं इश्क पश्चिमा टीम रिचर्स BBD यूनिवर्सिटी लखनऊ, जो कि यहाँ पे आए थे, ये आप फोटोज देख सकते हैं, ये देखिए। तो काफ़ी सारी जो पिक्चर जो प्रमोट हुआ करती रहती हैं ये, आप BBD की मैंने गैलरी खोल के रख दी हुई है। और वेबसाइट की बात करें, वेबसाइट में जो है काफ़ी अच्छी जो इसका इंटरफेस है। और आपको इसमें बता दें कि अगर आप जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, मैंने आपको जो फ़ीस बताई थी वो इसी के वेबसाइट पे लिखा हुआ था, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये देख सकते हैं आप, 62,500 rupees पर सेमेस्टर। इसका मतलब हुआ 125,000 rupees जो है साल का आपको फ़ीस देना पड़ेगा। और प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो आपके जो है टॉप रिक्रूटर्स देख सकते हैं, सोनी, पेप्सी, ब्रिस्टा, नेस्ले, विशाल, मेगामार्ट्स और बहुत सारे जो है प्लेसमेंट्स इवेंट्स हुआ करते रहते हैं। कैंपस FM अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं, लाइफ एट कैंपस, इमेज गैलरी भी जो है काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे आपको जो है इमेज गैलरी जो है हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था इश्क पश्चिमा करके टीम जो है यहाँ पे अपनी पिक्चर को जो है प्रमोट करने आई थी। अब हम आपको ओवरव्यू दिखाते हैं कि BBD का जो FM है वो सब आपको दिखाते हैं। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, काफ़ी बढ़िया बुक्स हैं, 2 lakh बुक्स आपको मिल जाती हैं। ये इनका ऑडिटोरियम है, द यूनिवर्सिटी कैंपस बोस्ट ऑफ एन अल्ट्रा मॉडर्न एयर कंडीशनर ऑडिटोरियम विद अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 1,000 people। तो आपके जो है यहाँ पे 1,000 बच्चे जो हैं एक साथ जो है बैठ सकते हैं। और हेल्थ सर्विस भी जो है काफ़ी अच्छी है। ये स्टूडेंट मॉल है, ये जो आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट मॉल है, जो कि इसी की मैं अभी बात कर रहा था कि आप जो है सामने जाके जो है क्राउन मॉल है, आप वहाँ पे जाके जो है खा पी सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, साथ साथ सैलून है। आप जो थोड़ा इन्जॉय करना चाहें तो BBD के जिस इलाके में BBD है गाइस, उस इलाके में जो आपको एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा।
थोड़ा ही आगे आप जाएंगे तो शहीद पर से जो है आप फिनिक्स प्लासियो भी जा सकते हैं। वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी दी गई हुई है, आप बहुत आराम से जो है कनेक्टिविटी आपको बहुत आराम से जो है कहीं से भी आप आराम से जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बात करते हैं बीबीडी में जो है खुद का टेंपल भी दिया गया है गणेश जी का, और इनकी ट्रांसपोर्ट जो है फैसिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, कैफेटेरिया भी है बढ़िया है। तो अब बात करते हैं फेस्ट की तरफ, फेस्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं फोटो गैलरी में अगर पड़ा होता है तो हम आपको दिखा देते हैं। कोविड के कारण जो इनका उत्कर्ष फेस्टिवल जो है नहीं हो रहा है, पिछली बार बॉलीवुड बॉलीवुड नाइट्स हुआ था, तो अभी हम आपको दिखाते हैं फेस्ट में ये मैंने लिखा हुआ है उत्कर्ष इज द एनुअल कल्चरल फेस्ट ऑफ द बीबीडी। बीबीडी का जो है कल्चरल फेस्ट होता है उत्कर्ष। डीजे नाइट्स इज ऑल्सो वेरी फेमस, डीजे नाइट्स जो है यहाँ की वाकई में बहुत ज़्यादा फेमस हुए। और आप बीबीडी को जब फेस्ट जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको जो है काफ़ी बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे 2019 में हुआ था और उसके बाद जो है कोविड के कारण जो है फेस्ट नहीं हुआ, लेकिन बॉलीवुड नाइट्स हो चुकी है, बहुत सारे जो है डीजे नाइट्स हो चुका है, तो इसीलिए डीजे नाइट्स भी जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। बहुत सारे जो है बीबीडी में इवेंट्स हुआ करते रहते हैं, बहुत सारे जो है एक्टर आया करते हैं, बहुत सारे सिंगर्स आया करते रहते हैं। कोई भी अभी नवरात्रि है तो डांडिया नाइट्स भी होने वाला है, तो बहुत सारे जो है ऐसे इवेंट्स जो है हुआ करते रहते हैं। रामस्वरूप में भी जो है डांडिया नाइट्स हो रहा है, लगभग सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो है डांडिया नाइट्स हो रहा है। तो अब हमारे कंक्लूजन की बात करते हैं, तो आपको बीबीडी में यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो गाइज़ देखो, अगर मेरी तरफ से देखो तो ROI या आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उतना पैसा आप बहुत जल्दी से जो है रिकवर कर लोगे बीबीडी यूनिवर्सिटी में। लेकिन गाइज आप ये भी तो देखिए कि बहुत यूनिवर्सिटी में जैसे MIT यूनिवर्सिटी में आप इतना पैसा दे रहे हो बट ROI उसका बढ़िया नहीं, तो उस यूनिवर्सिटी में नहीं जाइए, उस यूनिवर्सिटी की जगह आप इस यूनिवर्सिटी में आ जाइए। अगर आप पढ़ेंगे फोड़ने वाले होंगे तो गाइस इसमें आपको जो है हाईएस्ट पैकेज जैसे 44.15 लाख रुपीज़ का, 32.5 लाख रुपीज़ का, इतने उन लोगों के पैकेज आते हैं, तो आपका भी पैकेज जा सकता है। इसीलिए आप लोग भी मेहनत करिए और आप लोग जो है जाना चाहें तो इस कॉलेज में बिल्कुल जा सकते हैं, बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत बढ़िया इसकी फैसिलिटीज़ है, फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, प्रोफेसर जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, आपको अच्छे अच्छे जो है रिव्यू मिल जाएंगे वहाँ पे, बहुत सारे लोग आप बढ़िया वहाँ जाएंगे तो आपको जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप जो है थोड़ा खुलेंगे और लोगों के साथ नया नया माहौल रहेगा, तो नए नए दोस्त बनाएंगे, आपको सब मज़ा आएगा, वाइब्स आएगी आपको, जो कि आज के टाइम में ट्रेंड आप जिस टाइप से कह रहे हैं वाइब्स आएगी, और आप वहाँ पे जो फ्रेंड्स होंगे वो आपको जो सपोर्ट करेंगे। तो गाइस कैसी लगी वीडियो आपको जो है हमारी वीडियो को, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और गाइस जय हिंद लिखना कमेंट सेक्शन में ना भूलिएगा। और इसके बाद जो है कैंपस टूर है, आप लोग कैंपस टूर भी इंजॉय कर सकते हैं, थोड़ी सी मैं फोटोज़ दिखा दूंगा फेस्ट वेस्ट की, आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय गाइस। Could have seen it in your